आज ये जनता नेता लोग क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन वही है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बीजेपी ने बोला वही कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, अरे ये लोग ने जो बोला वो बात करी वो लोग को अपना डिमांड नहीं सुनना पड़ता। आज बीजेपी को डिमांड नहीं है, आज डिमांड लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन वही डिमांड है वो था जो हमने 2 साल पहले बोला था। तो 2 साल क्यों रुका, 2 साल क्यों राजनीति किया इसके लिए, 2 साल क्यों बोला हमारे सिक्का लोग को, हमारे युद्ध को क्यों बोला, ये सब रविश है, हमको तो विरोध कितना लड़नी चाहिए। देखिए हम कितना सा आपको उम्र कम है, मेरा 2 दिन हो गया राजनीति में, टिप्रा लाइन में आए नहीं तो हो गया ग्रेटर टिप्रा लाइन, उसके बाद होगा महाटिप्रालयन, अभी बोल रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन वो क्या है, संविधानिक समाधान वो क्या है, वो वही है जो बीजेपी ने बोला। आज जो एक पार्टी बोल रहा है वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वो वही है जो हम बीजेपी ने मांगा है, बीजेपी ने पास किया है कैबिनेट में 50 सीट को 1 सीट यार मार्किंग ऑफ फंड माने रुपया पैसा चिन्हित तो क्या आएगा एडीसी में, लैंड राइट टू एडीसी, 42 डिपार्टमेंट टू एडीसी, ये किसने मांगा, भारतीय जनता पार्टी, और किसने रोका एडीसी पार्टी, हम सब आगे रोक दिए। आज नहीं रोकता आज तक ये काम हो जाता। मैं कुछ दिन पहले मंत्री था, पंचायत मेरा हाथ में था, आरटी मेरा हाथ में था, फाइनेंस मेरा हाथ में था, तब हमने पास किया, हम लोग ने अनुभव किया था कि एडीसी को और शक्तिशाली करना चाहिए। इतिहास में एक पार्टी है जो अपना समता काम करके आगे एडीसी को दे रहा था, 40 डिपार्टमेंट 42 डिपार्टमेंट, हमने बोला आपको पाल नहीं चाहिए। गाड़ी खोलो, 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 गाड़